दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। आज अहोई अष्टमी की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, सभी माताओं को जो अपने बच्चों के लिए व्रत लेती हैं, उनको मतलब उनकी बच्चों की लंबी आयु दे, उनकी बच्चों की रक्षा करे अहोई माता। और मैंने भी आज व्रत लिया है, फर्स्ट बार लिया है। जितना भी मतलब मैंने लिया है, मैं जो मुझे बताया गया है मैं उसको इसमें सब बताऊंगी, और जितनी भूल चूक होगी जो लोग देखते हैं देखेंगे बाहर के लोग, यहाँ तो बहुत कम लेते हैं, वो लोग मुझे बता दें, क्योंकि अगली बार से मैं उसको आगे को और अच्छा करने की सोचूंगी। तो और आज है अहोई माता का व्रत। ये मैंने एक मेरे पास तांबे का ये था, और इसके ऊपर मैंने एक घड़ा ये वाला रख दिया, करवा चौथ वाला, और इसके पर एक ये रख दिया, ठीक है। और उसके बाद देती हूँ घड़े में, और फिर इसको पहनेंगे शाम को थोड़ी देर में पूजा करने के बाद इसको। और फिर हरा वाला वैसे होना चाहिए, कहते हैं कि हरा फल होना चाहिए, क्योंकि मुझे और चीज़ तो मिला नहीं कुछ, मैं यही लाई। ये है सिंगाड़े, कहा जाता है कि सिंगाड़े का बहुत महत्व होता है इस व्रत में। ये सिंगाड़े हैं, और ये बतासे और प्रसाद, और इसमें पीले वाले कुमकुम का बहुत महत्व है। पीले वाले कुमकुम का मतलब हल्दी, हल्दी वाले का, क्योंकि इस बार मेरा फर्स्ट साल है ना, और जो भी कमियां इसमें होंगी आप लोग मुझे बता दें, अगली बार मैं उसको बढ़ा के करूँगी, क्योंकि फर्स्ट बार है तो मैंने फर्स्ट बार ऐसे ही किया है, माफ़ करे ओहोई माता मुझे, जैसा भी हो। और ये मैंने धूप मतलब दीप जला दिया है मिट्टी का चावल के ऊपर, क्योंकि मेरे पास गेहूँ नहीं थे तो मैंने इसके ऊपर जला दिया। और ये वाले पानी, ये जल तो, और ये वाले जल का तो ढक के रखते हैं दोनों जलों को, क्योंकि इसको छोटी दीपावली में अपने बच्चों को इस जल से नहलाते हैं इसीलिए। और क्या कहते हैं, ये पेंडल को मैं शाम को थोड़ी देर अभी वो करने के बाद पहन लूँगी, और उसके बाद, और इससे हम शाम को बच्चे तारों की जो पूजा होती है, जब तारे आते हैं तो बच्चे अपने वहीं पे रहने चाहिए, बच्चों उसकी पूजा होती है, तो उस टाइम इस जल से वो हम मतलब तारे को जल चढ़ाएंगे। तारों को टीका कर लें, और टीका करने के बाद उनको अक्षत फूल चला लें अच्छे से, और उनकी आरती कर लें। आरती करने के बाद जो जल आपने मंदिर में रखा था उस जल को एक हाथ नीचे करके तारों को आप अर्पित कर दें अच्छे से, जैसे आप हमेशा चढ़ाते हो जल, तो जैसे चढ़ाते हैं लेकिन एक हाथ नीचे करके हम लोग नीचे गमला रख लो उसमें चढ़ा लो। और उसके बाद आप लोगों के जितने भी बच्चे हों, एक हों दो हों चाहे तीन हों, जितने भी हों, उतने बच्चों के साथ उनके माथे पे तिलक करके उनको आशीर्वाद दें, और आशीर्वाद देने के बाद बच्चों के हाथ से अपना व्रत तोड़ें जो भी आप ले गए हो मीठा, उस मीठे से आप। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, और अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगे लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जो वीडियो में नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। तो बाय बाय, स्वस्थ रहें।